फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो सीटेट के वन लाइनर की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हमारे टॉप 30 वो क्वेश्चन हो चुके हैं सीडीपी के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों में आए हुए हैं। तो सीटेट की जो वन लाइनर की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हम जो 31 से लेके 50 तक क्वेश्चन कवर करेंगे, उसके बाद आपकी हर क्लास में लगभग 50 क्वेश्चन हर क्लास में कराए जाने स्टार्ट कर दिए जाएंगे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो है पर्यटन विधि के जनक कौन है। जो पर्यटन विधि है, इसके जनक किसे माना जाता है? तो पेस्ट्रोलॉजी को पर्यटन विधि का जनक कहा जाता है, यानी कि जो पेस्ट्रोलॉजी है उनको पर्यटन विधि का जनक कहा जाता है। इससे आपके जो वन लाइनर है, इनके द्वारा आपका एक प्रकार से सीटेट का क्विक रिवीजन होता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस प्रकार के आए हुए हैं। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, वो है खोज अनुसंधान या फिर ह्यूरिस्टिक विधि के जनक कौन है। यानी कि एक विधि है जिसका नाम खोज विधि है, या फिर उसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। तो उस विधि के जो खोज करता है, यानी उस विधि को देने वाले जो है, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है आर्मस्ट्रांग। क्या नाम है? आर्मस्ट्रांग। आर्मस्ट्रांग ने कौन सी विधि दी है? खोज विधि, या फिर ह्यूरिस्टिक विधि बोला जा सकता है। उसके बाद खोज विधि का संबंध किससे है, यानी कि जो खोज विधि है उसका संबंध किससे है? तो इसके आंसर में आप क्या लगाएंगे? भूतकाल से है। जो खोज विधि है उसका संबंध किससे है? भूतकाल से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि के जनक कौन है, यानी कि जो अन्वेषण विधि है इसका जनक किसे माना जाता है? तो अन्वेषण विधि के जनक आर्मस्ट्रांग है। इसी को खोज विधि या फिर ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? तो जो अन्वेषण विधि है इसका संबंध किससे है? वर्तमान काल से है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, यानी कि पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी विधि है वो कौन सी विधि को माना जाता है? प्रोजेक्ट विधि को माना जाता है। पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि, प्रोजेक्ट विधि का जो यूज किया जाता है वो बड़ी कक्षाओं में सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी कि बड़ी जो कक्षा होती है, जैसे एक तरह से मान लो 6 to 8 के लिए जो क्लासेस है उनमें, यानी कि जो उच्च लेवल की कक्षाएं होती है उनमें प्रोजेक्ट विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि के जनक कौन है, यानी कि जो परियोजना विधि है इसका जनक किसे माना जाता है? तो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के योग्य शिक्षक किल पैट्रिक को परियोजना विधि का जनक माना जाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है परियोजना विधि का जनक किसे कहा जाता है, तो किल पैट्रिक महोदय को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? किल पैट्रिक महोदय को कहा जाता है। ये कौन थे? तो अमेरिका के जो एक शिक्षा शास्त्री थे जॉन डीवी, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जॉन डीवी जी के शिष्य थे जिनका नाम था किल पैट्रिक। किल पैट्रिक ने ही परियोजना विधि को दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण यानी कि जो माइक्रो टीचिंग है इसका जनक किसे माना जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इकाई उपागम के जनक किसे कहा जाता है, यानी कि जो इकाई उपागम है उसका जनक किसे कहा जाता है? तो मॉरिसन को इकाई उपागम का जनक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? यानी कि जो किशोर लोग होते हैं, जब किशोरावस्था में बालक आ जाता है, तो उस समय जो उससे बड़े लोग होते हैं, जो उसे चीजें समझा रहे होते हैं, उन लोगों को वो अपने मार्ग में एक बाधा के रूप में समझता है। उनकी बातें जो होती हैं वो उन्हें कम समझ में आती है, उन्हें लगता है कि जो वो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, बल्कि जो वो लोग कर रहे हैं, यानी कि जो किशोरावस्था में जो बालक है वो जो काम कर रहे हैं वो ज्यादा बेटर है, जो कि दूसरे लोग उन्हें समझा रहे हैं उससे ज्यादा। तो इस समय जो किशोर लोग होते हैं वो लगभग, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल है, दोनों ही लोग ये मानते हैं कि जो प्रौढ़ लोग होते हैं वो उनके मार्ग में एक बाधा के रूप में कार्य करते हैं। तो इस कथन को जो कहने वाले मनोवैज्ञानिक थे उनका क्या नाम था? पॉल सनिक नाम था। पॉल सनिक ने ये वाला आपका थॉट दिया था कि जो किशोर होते हैं वो किशोरावस्था की एज में जो प्रौढ़ लोग होते हैं उन्हें अपने मार्ग में बाधा समझने लगते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक प्रकार से पूरी तरह से फ्रीडम में नहीं रह पा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में कई बार रिवाइज किया गया है।
तो जन्म के समय जो बालक होता है उसकी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? उस समय उसकी बॉडी में 270 हड्डियां होती हैं, यानी कि जब बालक जन्म लेता है तो उसकी बॉडी में 270 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब बालक बड़ा हो जाता है एक प्रकार से, उसके बाद में वो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, तो उसके बाद में उन हड्डियों की संख्या लगभग 206 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 206 रह जाती है जब बालक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? यानी कि ऐसी बुद्धि जो उसके स्वयं की भावनाओं तथा उसके जो संवेग होते हैं, यानी किसी व्यक्ति के अंदर जो उसकी विचारधारा है, जो उसकी भावना है या फिर उसके जो संवेग है, अगर उनको एक प्रकार से नियंत्रित करने से संबंधित जो बुद्धि होती है, यानी उनको जो चीज कंट्रोल कर रही है, जो बुद्धि उस चीज को कंट्रोल कर रही है, उस बुद्धि को किस बुद्धि में रखा जाएगा? तो उस बुद्धि को भाषाई बुद्धि के अंतर्गत रखा जाएगा। किसमें रखा जाएगा? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत रखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? यानी एक बेने साइमन जो परीक्षण है उसके द्वारा जो मापन किया जाता है वो किस चीज का मापन किया जाता है? तो सामान्य बुद्धि का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? बेने साइमन परीक्षण के द्वारा किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आयु का प्रत्यय सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था? यानी कि जो मानसिक आयु है इसका जो सम प्रत्यय है वो सबसे पहले किस विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो सबसे पहले बेने साइमन के द्वारा दिया गया था। जो बुद्धि है यानी कि जो मानसिक आयु है इसका जो सबसे पहले सम प्रत्यय दिया था, सबसे पहले इसके बारे में जो बात की थी वो किसके द्वारा की गई थी? बेने साइमन के द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी कि ऐसे बालक जिनका आईक्यू लेवल 140 से ज्यादा होता है या 140 होता है, तो उन बालकों को किन बालकों की श्रेणी में रखा जाता है? तो ऐसे बालकों को प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। उन्हें प्रतिभाशाली बालक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है, उनका जो आईक्यू लेवल होता है, सोचने समझने की जो क्षमता होती है, वो नॉर्मल चिल्ड्रन से यानी कि सामान्य बालकों से ज्यादा होती है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि जो सामान्य बालक होता है, जो नॉर्मल चाइल्ड होता है, उसकी जो आईक्यू लेवल होती है यानी कि उसकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है, तो एक सामान्य बालक की यानी कि जो एक सामान्य बालक होता है इसका आईक्यू लेवल कितना होता है? तो इसका आईक्यू लेवल 90 होता है। कितना होता है? 90 होता है। और उससे जो अबव में जाते हैं वो बालक प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो सृजनशीलता मौलिक परिणामों के अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, इस कथन को देने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम है क्रो एंड क्रो। किसके द्वारा दिया गया है? ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दिया गया है। मानसिक आयु का संप्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया था? यानी कि जो मानसिक आयु है इसका संप्रत्यय सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो अभी बताया था, बेने साइमन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? यानी कि जो द्वितत्व का सिद्धांत है, जो बुद्धि में दिया गया है, उस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो स्पीयरमैन ने किया है। किसने किया है? स्पीयरमैन के द्वारा किया गया है। और बुद्धि के एक खंड का यानी जो एक तत्व है उसका प्रतिपादन किसने किया है? बुद्धि के जो एक तत्व का प्रतिपादन है, एक तत्व का जो प्रतिपादन है वो किसके द्वारा दिया गया है? बिनी के द्वारा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? यानी कि जो गिलफोर्ड महोदय थे इन्होंने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर यानी कि कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं की विचारधारा को लेते हुए, उसकी चीजों को समझते हुए बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है? तो जो उसके टोटल है वो 3 विचारधाराओं को शामिल करते हुए उन्होंने बुद्धि की संरचना का जो वर्णन किया है, बुद्धि की संरचना के बारे में बताया है। तो कितनी विचारधाराओं को शामिल किया है? तो उनकी जो मानसिक योग्यताएं हैं, गिलफोर्ड ने मौलिक जो मानसिक योग्यताएं वो कितनी बताई है? 3 बताई है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है, ये कथन किसका है? तो इस कथन को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम है जेरफील्ड। क्या नाम है? जेरफील्ड है। तो ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस ईयर में सीटेट में आए हुए हैं, चाहे सीटेट 1-5 वाले स्टूडेंट हो, चाहे 6-8 वाले स्टूडेंट हो, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। तो आज के लिए हमारी जो वन लाइनर की क्लास थी इसमें फिलहाल इतना ही है।
उसके बाद में आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, अब इसके बाद में ही आपकी थ्योरी की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो उनको देखना बिल्कुल ना भूलिए। और जितनी भी अभी तक प्रीवियस में जितनी भी क्लासेस दी गई हैं, वो सारी क्लासेस आप एक बार जाके वॉच कर लीजिए। बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं, एक प्रकार से ट्रिकी क्लासेस इनको बोल सकते हैं। बहुत ही कम मिनटों में ऐसे क्वेश्चन है जिनका आपका क्विक रिविजन करा दिया गया है। तो ऐसे ही आप हमारी जो नेक्स्ट आने वाली क्लासेस है उन सभी को देखते रहिए, आपको थ्योरी बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से समझा दी जाएगी। अगर क्लासेस में किसी भी टाइप की कोई भी कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर मेंशन कीजिएगा। इन सारी चीजों की पीडीएफ आपकी कल टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी, तो सभी लोग लवली एकेडमी का जो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दी जाएगी, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें जाके आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ को ले सकते हैं ताकि आप इनका एक बार क्विक रिविजन कर सके। तो आज के लिए हमारे इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।